मैक्सिमम डिसीज देखे गए हैं कि वो साइकोसोमेटिक होते हैं, कि मन में अगर कोई स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, कोई वरीज आ गई, कोई बात का फिकर ऐसे दिमाग में बैठ गया, कोई हर्ट, गिल्ट, रिबेल, कंप्लेन जैसी चीज़ें आ गई, तो ब्रेन कॉन्स्टेंटली बचपन की हैबिट की वजह से उसको घड़ी घड़ी रिपीट करके उसके अंदर पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। ध्यान से आप ये मन को बाहर खींच सकते हो, ध्यान से आप अपने मन को डाइवर्ट कर सकते हो, ध्यान से मन को समझा सकते हो, भाई रियल थिंग इज दिस, बिकॉज डिसीज का बेसिक मतलब ही होता है डिस इज, यानी यू आर नॉट कम्फर्टेबल समवेयर इनसाइड। तो उसको पहले तो ईज में लाना जरूरी है, वो कॉन्फिडेंस में लाना जरूरी है, वो ब्रीदिंग में लाना जरूरी है, एंड भरोसे में, वो बिलीफ सिस्टम में लाना जरूरी है कि एवरीथिंग इज फाइन, देयर इज नथिंग टू वरी। सो डेफिनेटली कोई भी रोग हो तो आप उसको हीलिंग दे सकते हो ध्यान से। आप कॉन्स्टेंटली जो भी डिसीज हो उसके पीछे पड़ जाओ, जैसे आप ब्रीदिंग करते रहो, बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसमें, ब्रीदिंग करते रहो और जो पार्ट में आपको दर्द है वहाँ देखकर फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके वहीं देखते रहो, तो स्लोली स्लोली वो जो रोग होगा, वो डिसीज होगा, जो स्ट्रेस होगा बॉडी का, वो ऑर्गन को, पार्ट को, वो स्लोली स्लोली उभर के बाहर आएगा एंड देन स्लोली स्लोली निकल जाएगा। तो मेडिसिन को तो साथ में रखना ही चाहिए, बिकॉज जिससे आपकी बिलीफ सिस्टम में कहीं डिस्टर्बेंस ना हो। बहुत सारे डिसीज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे ह्यूमन माइंड मानता नहीं, ह्यूमन ब्रेन को समझ में नहीं आता सिस्टम में क्या गड़बड़ चल रही है, बट ध्यान भी साइमल्टेनियसली अगर हो तो मेडिकेशन जो भी लेते हैं उसका इम्पैक्ट बेटर पड़ेगा एंड यू विल कम आउट एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रॉम योर डिसीज। तो यू हैव टू हैव पेशेंस, यू हैव टू हैव फोकस्ड माइंड, यू हैव टू हैव पावरफुल बीइंग बिलीफ कि वॉट एवर आई एम डूइंग टू हेल्प माई बॉडी, माई माइंड एंड माई सोल। सो वो बिलीफ सिस्टम के साथ जब ध्यान किया जाता है एंड वेन यू गेट इन टू इट, इट हेल्प्स यू एंड टेक यू आउट ऑफ योर ऑल काइंड ऑफ एलिमेंट्स।